हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कल जो आप लोगों का संस्कृत का सेकंड वाले में पेपर होने वाला है उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बता दे, ठीक है ना। कुछ क्या जो भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा एकदम हु बहु आपको देखने को मिलेगा, परीक्षा हॉल में एक एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मैंने सितंबर में भी आप लोगों को हेल्प किया था, ठीक है ना। तो फिलहाल ये तो आपका जो परीक्षा हो रहा है ये तो टेस्ट परीक्षा हो रहा है, ठीक है ना। उतना सीरियसली भी मत लेना, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार, ठीक है ना, और अच्छे से जाकर पेपर को लेकर चले आना। और जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करना है, तन धन पूरा लुटा देना है आपको 2024 फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और इस बार का टारगेट आप लोग बना लीजिएगा, 450 प्लस का टारगेट बनाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा है तो आप लोग अवश्य नंबर लाओगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको आधे घंटे में 20 मिनट में मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ, ज्यादा समय नहीं रहेगा, 20 से 25 मिनट लगेगा, ठीक है ना, मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है ना। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया था, जो भी विद्यार्थी 2024 में फाइनल परीक्षा देने वाले हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, उनको लगता है कि हमको पीडीएफ की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर विषय का हमको हमारे पास गेज अगर क्वेश्चन रहता तो मैं पढ़ लेता, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। मात्र 199 रुपये में अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों के पास अभी भी टाइम, आप लोग ले सकते हो, मात्र 199 रुपये में आप सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मैं पूरा का पूरा फुल पीडीएफ आपको दे दूंगा, और साथ में आपको पैड ग्रुप में भी जोड़ूंगा ताकि आप लोगों के पास जो भी 3 महीने समय है उस 3 महीना में कुछ तो पढ़ोगे। तो मात्र ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है, मात्र 199 रुपये में। मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग कैसे ले पाइएगा और उस पीडीएफ को कैसे प्राप्त करेगा। एक्चुअली मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ और कोशिश करिएगा कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि मेरे पास मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, आप लोगों के प्रति रात भर में मेहनत करता हूँ। तो कृपया मैं जो नंबर दूंगा उस पर आप लोग रात में फ़ोन करके परेशान मत करना, भले SMS करना व्हाट्सएप पर, और वो नंबर दे रहा हूँ कि आप लोग दिन में मेरे से या तो व्हाट्सएप SMS करके बात करो कि सर जी हमको PDF चाहिए, आप अपना पे फोन वाला नंबर भेजिए, नहीं तो स्कैनर भेजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप हमको पैड ग्रुप में भी जोड़ दीजिए और मेरे को PDF भी दे दीजिए, मैं दे दूंगा, किसी के साथ फ्रॉड नहीं होता है, ये मैं कर रहा हूं आपके सामने, रंजन सर बोल रहे हैं स्टडी प्लस वाले, किसी के साथ फ्रॉड वाला कोई काम नहीं होता है मेरे यहाँ छोटू, ठीक है ना। ये वाला मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9244, इस पर SMS करना, व्हाट्सएप चलाते हैं 5907 99, और मेरे नाम से सेव कर लेना 9244 5907 99, ठीक है ना। और जब आप लोग SMS करोगे ना या फिर स्कैनर मांगोगे या फिर पे फोन वाला नंबर मांगोगे मैं दे दूंगा। 199 में कोई ज़्यादा रकम नहीं है छोटू, आप एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाना है ना और अभी से आप लोग पढ़ाई थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया आप लोगों का नंबर आ गया, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें ना बाबू, स्टार्ट करें, इस नंबर को पहले आप लोग नोट कर लीजिए कहीं, 9244 5907 लास्ट में 99 है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार, हाँ चलिए, तो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया छोटू, बहुत बढ़िया, चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जाइएगा ना तो आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिलेगा। हाँ जब जाइएगा ना तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा उसमें, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ठीक है ना, यहाँ पर और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, जब आप जाइएगा तो उसमें देखिएगा 30 प्रश्न मिलेगा और उसमें से आपको 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है ना। और एक प्रश्न आपका रहेगा कितना नंबर का, एक नंबर का, यानी कि टोटल आपका 25 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और उसमें देख लेना, क्वेश्चन आपको मिलेगा व्याघ्रपति कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो बाबू व्याघ्रपति कथा जिसमें एक बाघ और एक पति की कहानी है, मैंने आपको बताया था कि बूढ़ा बाघ सोने के हाथ में कंगन लिए हुए तालाब के किनारे बैठा था और बोल रहा था हे पति को इस सोने के कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने के कंगन का क्या करूंगा, ये सब हम आपको अच्छे तरीके से आपको जानकारी बताया था, ठीक है ना। तो ये हमारा हितोपदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, हितोपदेश हो जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे ना, आपके पास अभी भी समय है, आप देख सकते हैं, बुक्स को निकाल कर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन इसमें छूटा है, मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण किस कांड से संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना वो अयोध्या कांड से संकलित है, अयोध्या कांड से, ठीक है ना, किस कांड से, अयोध्या कांड से संकलित है, यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा दूसरा का सी नंबर, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है, बाबू चित्रकूट का मतलब समझते हो ना, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है, चित्रकूट, हाँ ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया,
सी नंबर बहुत बड़ा चित्रकूट, तो चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग गंगा पर मत टिक लगाना, मंदाकिनी मंदाकिनी नदी पर टिक लगाना। चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, तीसरा का सी नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना, मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है ना, मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, तो हमारा तीसरा का आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए चौथा नंबर मतलब ना क्या यार पूछे, इतना इजी इजी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ना कि हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि व्याघ्रपति कथा में किस व्याघ्रपति जो कथा है वो किस ग्रंथ संकलित है, तो हितोपदेश। अब हितोपदेश उसको उल्टा कर दिया कि हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो हितोपदेश के रचयिता कौन है, इनके व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है, तो नारायण पंडित तो यही हो जाएंगे ना छोटू, ये कितना इजी क्वेश्चन है, तो व्याघ्रपति के नारायण पंडित हो जाएंगे, अलस कथा पाठ के लेखक हो जाएंगे विद्यापति। इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग चिंता मत करना, ठीक है ना, बस जो मैं गेस दिया हूँ ना उस गेस को हल्के में मत लेना छोटू, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो बाद में कहीं आपको पछताना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में किया गया है, यानी कि लोभ के दुष्परिणाम है, आपको पता है ना कि पति के लोभ यानी कि लालच के कारण बाघ के जालों में फंस जाता है, और जैसे ही उसके पास कंगन को लाने जाता है, सोने के कंगन को लाने जाता है, फटाक से वो कीचड़ में फंस जाता है, और बाघ उसके ऊपर हमला कर उसको मारकर खा जाता है, तो ये किस पाठ में है, तो व्याघ्र कथा वाले पाठ में है ना, एक बाघ और एक पति की कहानी है उसी में है। पति का मतलब कि एक व्यक्ति है, समझ रहे हो ना, बहुत लोग पति के बारे में नहीं समझते होंगे, एक व्यक्ति है पति के, ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया सर जी, पांच का योग आरडीक्स गेमिंग जी, विकास जी, ठीक है ना, पारू जी, ठीक है ना। देखो बाबू कल परसों चौथा रोज ये तीन दिन आप लोग अपना एग्जाम समाप्त कर लीजिए, ठीक है ना, कोई भी टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, कि मैं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें आप लोगों को टेंशन मत लेना, ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री होकर पढ़ो, फ्री होकर पढ़ो, हंसते हंसते पढ़ो, खेलते खेलते पढ़ो, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं, यार यार इतना क्वेश्चन इजी पूछा, राम जो है ना वो मंदाकिनी नदी को किसे दिखा रहे हैं, तो माता सीता को दिखा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, माता सीता दिया है, हाँ सीता यहाँ पर दिया ना छोटू, यहाँ पर सीता को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं, सीता जी को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, कौन, तो भगवान श्री राम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोगों का मतलब ना जो टाइम है ना बहुत अच्छा चल रहा है, कल मतलब कि रावण दहन था और उसी से संबंधित सारा क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, और एग्जाम भी कल अच्छे से जाएगा हम लोग का, ठीक है ना, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है विशालाक्षी की उपाधि किसे दी गई थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, एक मिनट मेरे को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेने दीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, एक मिनट, थोड़ा सा इस क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है। हाँ अरे सीता दिया ना, हाँ छोटू सीता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, सही है छोटू सीता, हमको हम वही देख रहे थे, सीता नहीं दिया लेकिन सीता ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है ना, सीता ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाबू, ठीक है ना, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाबू, सीता दिया है, ठीक है ना, सीता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है सीता जी, हाँ सीता जी सही होगा, ठीक है ना, हाँ कितना नंबर हो गया। अब देखिए आठ नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, यहाँ पर कंगन है, क्या है, कंगन, सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था, इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछा है बाबू, सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे कौन बैठा था, तो बृग बाघ बैठा था। एक और क्वेश्चन याद रखना, आपके एग्जाम में पूछेगा कि बूढ़ा बाघ सोने के कंगन को लेकर किसके किनारे बैठा था, ऑप्शन में रहेगा समुद्र किनारे, ऑप्शन नंबर बी नंबर में रहेगा तालाब का किनारे, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा नदी के किनारे, और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बूढ़ा बाघ सोने के कंगन को लेकर तालाब के किनारे बैठा हुआ था, नदी के किनारे नहीं, समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि तालाब के किनारे बैठा हुआ था। नदी अलग होता है, समुद्र अलग होता है, तालाब अलग होता है। तालाब एक छोटा सा तालाब समझ लो, नदी मतलब कि नदी यानी कि बड़ा सा नदी, समुद्र मतलब कि समझ ही सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा होगा ब्रिग बाघ यानी कि बूढ़ा बाघ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कुंते उपाधि किसे संशोधित किया गया है, तो ये अर्जुन को किया गया है, अर्जुन को किया गया है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म, ये क्वेश्चन मेरे को बताना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए ना कि इनके इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसके पिछले साल भी पिछले महीने में भी जो आपका पेपर हुआ था मंथली का मासिक परीक्षा जो हुआ था आपका सितंबर में, उसमें भी दोस्तों स्वामी दयानंद चैप्टर से बहुत प्रश्न पूछे गए थे, तो याद रखना इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में, तो एन एम टिक लगा देना। कब हुआ था तो आप लोग बता देना, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मैं जन्म की बात करूँ तो 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है ना, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप लोग को याद रखना है। और मृत्यु की अगर मैं बात करूं, इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में, ठीक है ना। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, और कब किया था आर्य समाज की स्थापना, तो 1875 ईस्वी में इन्होंने किया था, और कहाँ पर किया था, तो मुंबई में किया था। ये सब जानकारी याद रहेगा ना, तो मैं आपको बाबू बता दूँ, आप लोग विश्वास नहीं करते हो ना, जब आपका फाइनल परीक्षा होगा ना उसमें ना इनसे संबंधित आपका क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित आएगा, इसमें क्या है, केवल स्वामी दयानंद सरस्वती उनके बारे में पढ़ लो, सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं छोड़ो, आपका 3 नंबर 4 नंबर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए, पढ़ने वाला लड़का ना सब कुछ नोट कर लेता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है करमवीर कौन था, करमवीर राम प्रवेश था, कौन था, राम प्रवेश राम था, करमवीर राम प्रवेश राम था, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वागीसा का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस ईसा हो जाएगा, वाक प्लस ईसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसलिए मैंने वाक प्लस ईस लिखा ना, यहाँ पर गी है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये बी नंबर वाला मिल जाएगा, यहाँ पर ये 3 काट दो, बी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, बी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बाबू 11 का बी नंबर, अच्छा 11 का बी नंबर और 12 का भी बी नंबर बता रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन है त्रिणी संख्यावाचित शब्द किस लिंग का उदाहरण है, ये त्रिणी क्या है, तो बाबू त्रिणी आपका स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी में होगा स्त्रीलिंग, ठीक है ना, यहाँ पर स्त्रीलिंग थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुआ है, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, स्त्रीलिंग हुआ है, स्त्रीलिंग होगा, आप लोग स्त्रीलिंग पत्ती के लगाना, और ये आपका यही शब्द है त्रिणी शब्द है, संख्यावाचित शब्द में लिंग क्या है, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है महत्व किस प्रकार का, महत्व पद में किस प्रकार किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो बाबू महत्व महत्व है ना, तो महत्व को दो भागों में बांट दीजिए, एक कर दीजिए मह और दूसरा कर दीजिए त्व, तो मह आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और त्व आपका प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन में त्व दिया होगा, कहीं ना कहीं जरूर दिया, देखो ऑप्शन नंबर ए नंबर में ही दिया है त्व, तो आप ऑप्शन नंबर ए पर त्व पर टिक लगा देना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए पर त्व पर टिक लगा देना, ठीक है। बी नंबर 13 का बी नंबर, अच्छा वो 13 का बी नंबर, 14 का क्या होगा, 14 का ए नंबर होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, 14 का ए नंबर मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देखें ना बाबू, अगला क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं दिखा पाया, लेकिन मैं आपको इसका आंसर मुझे जबानी बताऊंगा, लेकिन आपसे पहले पूछूंगा कि लंबोदर किस समास का उदाहरण होता है। बाबू मैंने बताया था ना लंबोदर किसे कहोगे, तो गणेश भगवान को कहोगे, और मैंने आपको बताया था कि जिस समास में ना ज्यादा देवी देवताओं का नाम आए तो वह हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कभी कभी दोस्तों आप लोग ना दिमाग नहीं लगाते हो, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाते हो, दिमाग आपके पास कहाँ चला गया है जी, दिमाग कहाँ चला गया है, दुर्गा पूजा में पूरा लाल पीयर देकर दिमाग अपना मतलब पूरा भोतर कर दिए हो, ठीक है ना, लेकिन याद रहे आजकल का ये खेल है, और उसके बाद से है ना अगर आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाओगे ना तो कोई आपको नहीं पूछेगा, एक्चुअली में पूछेगा वही आप लोग समझ ही सकते हो। देखो सबसे मेन बात है ना कि अभी आप लोगों के पास 3 महीना टाइम, एकदम अच्छे से जी जान लगा दो ना, जी जान क्या लगाना है, मात्र 4 घंटे अच्छे से डेली पढ़ाई करो, आपका नंबर जरूर आएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा, बस मेहनत करते रहना, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा बहुवीरी हो जाएगा, और 16 नंबर का आंसर होगा पंथा शब्द रूप में किस विभक्ति का, ये हमारा प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी आपसे पूछा गया संधि से क्वेश्चन, संधि 3 प्रकार के होते हैं, पूछा गया ना संधि कितने प्रकार के होते हैं,
बहुवीरी समाज होगा, साहेब कुमार जी बहुत बढ़िया, हर्षिता जी ठीक है ना। और बाबू एक और बात बताए, हम आप लोगों को ना समास 6 प्रकार के होते हैं, एक्चुअली में 7 प्रकार के समास होते हैं, लेकिन जो हमारा नए समास होता है ना उस समास को ना हम लोग इस श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि नौ में ना ओ आता है, नए समास के उदाहरण में ओ आता है और अ को मान्यता हम लोग नहीं देते हैं एक्चुअली में, इसलिए उसको अलग हटा दिए हैं। और समास को 6 प्रकार हम काउंट करते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं, उसको अच्छे तरीके से पहचानने का मैंने आपको बेहतरीन ट्रिक बताया था एग्जाम्पल के साथ, आपका वीडियो पढ़ा होगा, आप लोग देखते हैं नहीं, वो देख लेते हो ना तो काम करता है ठीक है ना। 14 का 17 का सर जी, 17 का बी नंबर का व्यंजन संधि। हाँ बाबू यहाँ पर ये देखो, ये काट दो, पता नहीं क्या लिखा गया, और ये बी नंबर में टिक लगा लो, व्यंजन संधि हो जाएगा ठीक है ना। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, व्यंजन संधि ठीक है ना, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्या करें मजबूरी में आपको थोड़ा सा हेल्प करना ही पड़ेगा कहीं से ना कहीं से ठीक है ना, नहीं तो आप कहोगे कि सर जी हेल्प ही नहीं करते हैं, आप लोग का हेल्प करेंगे छोटू का नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, ये पीताम्बर में कौन सा समास होता है, पीताम्बर में देखिए तो पीताम्बर में बहुव्रीहि तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है पीताम्बर में बहुव्रीहि नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया, तत्पुरुष दिया बाबू, पीताम्बर में ना तत्पुरुष समास होता है, क्या होता है एक बार देख लीजिए, तो बाबू पीताम्बर में तत्पुरुष समास होता है ना, क्या होता है आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्या होगा तत्पुरुष समास होगा, कौन सा समास होगा तत्पुरुष समास होगा, पीताम्बर में कौन सा समास होता है तो तत्पुरुष समास होता है ना, तत्पुरुष समास होता है ना, तत्पुरुष समास जी हाँ, तत्पुरुष नहीं नहीं अव्ययीभाव नहीं गा सकते, अव्ययीभाव नहीं होता है, अव्ययीभाव आप मत कहना, अव्ययीभाव समास बिल्कुल नहीं होगा ठीक है ना। सर आपके लिए तो जान भी हाजिर है, नहीं 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 छोड़ो नहीं छोड़ो, जान मत देना मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए मत जान देना ठीक है ना, आप जान उनके लिए देना जो आपके लिए तन मन मतलब कि पूरा लुटा देते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, आप उनको खुश रखना, उनके लिए ना मतलब ना मतलब कितना भी कठिनाई आ जाए उन कठिनाइयों का आप लोग सामना करना ठीक है ना, अपने मम्मी पापा के लिए ठीक है ना, आपका आपसे आपके मम्मी पापा से बेस्ट आपके लिए कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं होगा मैं आपको बता दूँ ठीक है ना, कोई नहीं होगा, अगर आपको यकीन नहीं होगा ना, यकीन क्या नहीं होगा आप लोग खुद आप लोग देखते ही होंगे ठीक है ना। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने बोला अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा लगता है मतलब कि आप लोग बोलते हो तो अच्छा लगता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो हमको लगता है कि अव्ययीभाव समास होगा, हाँ अव्ययीभाव समास होगा ठीक है ना, अव्ययीभाव समास हो जाएगा आपका सी नंबर वाला ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ठीक है ना। चलिए यस सर, विकास जी, लक्ष्मीना कुशवाहा जी ठीक है, 18 का, अच्छा 18 को बता रहा हूँ, 19 का हमको लगा ठीक है ना, 19 का भी हो जाएगा ठीक है ना। चलिए 19 का सी नंबर, 19 देखो बहुव्रीहि समास नहीं कह सकते हो, अन्य पद की प्रधानता होती है, आपका अव्ययीभाव समास ना होगा छोटू, अव्ययीभाव समास देखो, एक मिनट छोटू, बहुत लोग कहते हैं ना सर आप सिवान जिला से हैं क्या, हाँ बाबू हम सिवान जिला से हैं। एक और बात मैं आपसे बताने वाला हूँ, एक और क्वेश्चन याद रखना, देखो भले ही कल का एग्जाम हम देंगे ये सब क्वेश्चन फंसेगा वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम नॉलेज के लिए कुछ तो कुछ चाहिए छोटू, मेन बात है आपका नॉलेज, अगर नॉलेज रहेगा ना तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। देखो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, मैंने आपको द्वंद्व समास के बारे में बताया था, द्वंद्व समास के बारे में बाबू, ये जो हमारा द्वंद्व समास होता है ना, द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे कि माता पिता हो गया, माता पिता एक मैंने एग्जांपल लिया, ये जो हमारा माता पिता लिखा गया ना, माता पिता में द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास इसलिए होता है ना क्योंकि बीच में हमारा जो माइनस जैसा आपको चिन्ह दिख रहा है ना, माइनस जैसा चिन्ह जो दिख रहा है ना, ये हमारा माइनस जैसा चिन्ह नहीं है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक इसका नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है योजक चिन्ह, और इसको विग्रह करेंगे ना तो बीच में और का प्रयोग होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसका विग्रह किया, माता और पिता, क्या आया माता और पिता आ गया, तो माता और पिता आ गया ना, तो माता और पिता आ गया, तो दो कंडीशन रहता है हमारे द्वंद्व समास है ठीक ना, द्वंद्व समास में हमारा दो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन होता है कि बीच में योजक चिन्ह आए, और दूसरा कंडीशन होता है कि उसको विग्रह करने पर और का प्रयोग हुआ तभी वो हमारा द्वंद्व समास होगा, बाकी वो नहीं होगा। सपोज डेट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एग्जाम्पल के लिए कि क्या आप लोग बता सकते हो धीरे धीरे कौन सा समास होगा, ये जो हम लिखे हैं धीरे धीरे ये कौन सा समास होगा, है कोई लड़का जो बताएगा धीरे धीरे कौन सा समास हो सकता है, एक्चुअली में कोई लड़का बहादुर जो बताएगा कि जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा धीरे धीरे में कौन सा समास होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, कोई लड़का है जो मेरे को बता सकता है धीरे धीरे में कौन सा समास हो सकता है बाबू, ठीक है ना, तो एक बार बता दीजिए।
धीरे धीरे मैं कौन समझ सकता, बाकी अभी बता रहे अभी 5 मिनट में पूरा कंप्लीट करवा देंगे, अभी आपको अनुच्छेद भी बताएंगे, अनुशासन वन अनुच्छेद पूछा है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है ना, और सब्जेक्ट भी कराएंगे, ठीक है। द्वंद्व समास होगा, दिलीप वर्मा जी का आया सर जी द्वंद्व समास होगा, दिलीप वर्मा जी का आया द्वंद्व समास होगा, पारू जी का भी आएगा द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा, आदेश रितेश गेमिंग जी का द्वंद्व समास, विकास जी का भी द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, बहुबीरी समास होगा, बहुबीरी समास होगा, कृष्ण राजपूत जी का कहना है। अच्छा ये बताओ मेरे को एक बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, आप लोगों का एक बात हमको नहीं समझ में आ रही, एक बात से हम बिल्कुल अनजान है, अनजान इस बात से है ना कि यार आप लोग ना ट्राई नहीं करते हो। देखो मेन आपका निशानी असफलता होने का यही है कि आप लोग ट्राई नहीं करते हो। आपने ट्राई किया, मैंने जैसा बोला उसे पहले, तो आप देखो इसमें योजक चिन्ह है कि नहीं, चलो इसमें योजक चिन्ह है मैंने ये मान लिया, अब इसको बिगड़ा करोगे, बिगड़ा इसको करो तो धीरे और धीरे, धीरे और धीरे, धीरे और धीरे, धीरे और धीरे, तो बीच में आपका और का प्रयोग हो रहा है, तो क्या ये हमारा वाक्य सही है? अरे यार ये हमारा वाक्य सही नहीं हुआ, क्योंकि धीरे और धीरे ये कोई वाक्य है, ये वाक्य नहीं है, ये गलत है, धीरे और धीरे, एक्चुअली में हमने बोल दिया धीरे धीरे तो पक्का वो धीरे ही है, अब आप उसी में कह रहे हो कि धीरे और धीरे, ये गलत है, ये हमारा सेंटेंस ही नहीं बनेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसका बिगड़ा गलत हुआ, बीच में और का प्रयोग नहीं हुआ है, इसी के कारण ना, इसी के कारण बाबू ये हमारा जो है ना, एक मिनट, ये हमारा जो है ना धीरे धीरे, ये हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा, बल्कि ये हमारा आ जाएगा अव्यय भाव समास में आ जाएगा, कौन सा समास में आ जाएगा, अव्यय भाव समास में आ जाएगा, ये कुल जानकारी ना हर कोई नहीं बताएगा, पता है ना ट्यूशन कोचिंग में यही आपको ट्रिक बता देते हैं कि बीच में जहां माइनस होगा समझ लेना द्वंद्व समास होगा, लेकिन छोटू ना एग्जाम में जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना वो भी समझदार होता है, वो सोचता है कि धीरे धीरे हम टिक देंगे, धीरे धीरे में देखते हैं बच्चा क्या कहता है, तो पक्का वो द्वंद्व पर टिक लगाएगा, लेकिन एक्चुअली में आपका वो नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना मेरे ऊपर, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़कर आप लोग देख सकते हैं, पढ़कर आप देख सकते हैं। अच्छा विकास जी को भी लगता है कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, उन्होंने काटा गलत, चलो खैर कोई बात नहीं, कम से कम लगा ना कि हाँ विकास जी को भी लगा कि सर गलत बता रहे हैं, चलो ठीक है। आपका क्या होगा, आपका होगा धीरे धीरे में कौन सा समास होगा, आपका हो जाएगा अव्यय भाव समास, इस सबसे आप लोग जानकार रखना। चलो हम आपको आपका क्वेश्चन बता देते, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि महानता पद में किस प्रकार का प्रत्यय का उपयोग हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना बाबू, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, थोड़ा सा मैं इसको देखने में थोड़ा सा हमको टाइम लग गया था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको देख नहीं पाया, ठीक है ना, 20 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है विशाल प्लस अक्षी की संधि क्या होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, विशाल प्लस अक्षी तो क्या हो जाएगा आपका, ये सी नंबर वाला होगा, ठीक है ना, विशाल प्लस अक्षी तो अल्लाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मिनट, विशाल ल विशाल लक्ष्य, विशाल विशाल लक्ष्य, हाँ ये सी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, सी नंबर वाला हो जाएगा, हाँ बाबू ठीक है ठीक है। एक मिनट देखिएगा, बीस का, हाँ ठीक तो है, इक्कीस का बी नंबर, इक्कीस का बी नंबर होगा, नहीं नहीं इक्कीस का तो बी नंबर नहीं होगा, छोड़ो इक्कीस का बी नंबर बहुत लोग बता रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा देख लेने दीजिए, देख लीजिए कि आप लोग क्या बता रहे हो, नहीं छोटू सही तो है, नहीं छोटू सही है, ठीक है ना, सही है विशालक्षी, एक मिनट, एक मिनट छोटू, एक मिनट, इसको बनाइए तो विशाल ओ है ना, तो लक्षी, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कौन लड़का बोला, हाँ विशाल प्लस अक्षी होगा, हाँ ये होगा आपका बी नंबर वाला, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर वाला हो जाएगा, एक लड़के ने बताया था, क्या नाम था उनका, हाँ ये आपका नहीं होगा क्योंकि ला होगा ना, यहाँ पर लो है, यहाँ पर ओ है, तो ला होगा ना, हाँ ठीक है बी होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बी होगा, वहाँ पर आपका ओ एक और जुड़ा हुआ है ना, ओ आपका एक और जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपका क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन है प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट डिक्वल पूछा गया है व्याकरण में, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, प्राग प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना, इसका भी आंसर बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बही बही उपपद के युग से किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, आपका 23 का हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगा 23 का, ठीक है ना।
अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, दातव्यम पद में किस प्रकार का प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो हम तब्यत होगा, क्या होगा, तब्यत हो जाएगा, यहाँ पर आपका 24 का भी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, 25 नंबर कि अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का रहा ना, उपसर्ग का रहा है तो आपका अन हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको एक और बात समझना है, एक और बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, एक और बात यहाँ पर आप लोग समझना, ठीक है ना, यहाँ पर एक और बात समझना, जो मैं 25 का आंसर बता रहा हूँ ना कि अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये जो हमारा अन्वय क्या है, अन्वय जो हमारा शब्द है ना, तो अन्वय का जब आप लोग तोड़िएगा ना, अन्वय को जब आप लोग तोड़िएगा तो क्या बनेगा, जैसे कि मैंने इसको तोड़ा तो अन बना, और यहां पर मैंने एक हलंत का चिन्ह लगा दिया और प्लस में क्या कर दिया, वय कर दिया, तो ये हमारा वय क्या हो जाएगा, वय हमारा उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा, और ये हमारा अन क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आधा नौ है और यहां पर मैंने हलंत लगा दिया नौ में, तो उसका मतलब हो गया कि आधा नौ, तो यही हमारा लिए उत्तर हो जाएगा आधा नौ, और आधा नौ हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना, आधा नौ के अगर किसी भी शब्द को, जैसे कि मान लेते हैं पो आपका कोई शब्द है और इसको आधा बनाना है, तो आप इसमें हलंत का लगा दीजिएगा ना, तो इसका आधा कहलाएगा, यानी कि आधा मौ कहलाएगा, ठीक है ना, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, तो मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया, देखिए एक दो क्वेश्चन है जो छूटा हुआ है, बट आप लोगों का 25 ही क्वेश्चन है ना, 25 ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना, अभी 25 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये उत्तर है, ठीक है ना, इस जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछा गया है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा, आप लोग लाइन बाय लाइन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम लाइन बाय लाइन ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 को पूछा गया, 5 को उत्तर देना है, पहला का क का उत्तर है, पहला का ख का उत्तर है, पहला का ग का उत्तर है, ये आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा अनुच्छेद दिखाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सब्जेक्टिव लेना है तो जाइए टेलीग्राम पर भेज दिए हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे साइट का भी लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं भेज दिया हूँ, ये बहुत पहले ही का भेज दिया हूँ, एक घंटा पहले हो गया भेजने, इसको मैं भेज दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है ना, पूछा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कर्मधारय समास में और द्विगु समास में अंतर क्या होता है, आप लोग लिख दीजिएगा, जब कर्मधारय समास का पूर्ण पद संख्यावाची होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं, और यहाँ पर और भी है, यहाँ पर बगल में देख सकते हो, थोड़ा सा इधर है, वचन में होता है तो वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना, द्वंद्व समास, यानी कि द्विगु समास और द्वंद्व समास में आपसे अंतर पूछा गया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख देना, ठीक है ना। और थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये हमारा क का अंगा हो जाएगा, यानी कि क का अंगा नंबर, यानी कि 5 आपका हो गया, पहला का 10 को है, 5 को बनाना है, और दूसरा में दोस्तों 5 को है जिसमें से आपको 3 को बनाना है, 5 को है जिसमें से आपको 3 को मात्र बनाना है, ठीक है ना, 5 को है जिसमें से आपको मात्र 3 को बनाना है, तो ये पहला का ख का उत्तर है, दूसरा का ख का उत्तर है, तीसरा का ग का उत्तर, और यहाँ पर दूसरा का घ का उत्तर, आपको 4 को बना लेना है। जैसे कि दोस्तों अलसकथा पाठ से क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलसकथा पाठ में के माध्यम से शिक्षा दी गई है, मतलब कि अलसकथा पाठ से क्या शिक्षा दी गई है, अलसकथा पाठ के आधार पर बताइए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, ये आराम से बता दीजिएगा। फिर दोस्तों संस्कारक के बारे में पूछा गया, भारतीय संस्कारक पाठ का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, और फिर मंदाकिनी नदी वर्णन के बारे में पूछा गया, ठीक है ना, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक है ना, सभी लड़के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम में आपको कहाँ पर ये मिलेगा, टेलीग्राम पर, ठीक है ना। अब देखिए छोटू, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ, आपको दिख रहा है ना, ये आप लोग देख लीजिए, यही आपका है ना, यही आपका है, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने है ना, आप लोग अपने सामने देख लीजिए, पहले जो क्वेश्चन है मैंने उसका उत्तर बताया था, द्वंद समास और द्विगु समास में अंतर पूछा गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री राम के बारे में बताया गया, ठीक है ना, फिर यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलते हुआ है, व्याघ्रपति कथा पाठ का मूल संदेश क्या है, यानी कि मूल संदेश का मतलब हुआ कि व्याघ्रपति कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो व्याघ्रपति कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच कारण व्यक्ति का जीवन सत्यानाश हो जाता है, जैसा कि वृक्ष बागों के जालों में फंसकर जैसे पतिक अपना जान गंवा बैठा, वैसे ही मनुष्य भी अपना किसी न किसी मतलब ना व्यक्ति के जालों में फंसकर अपने को बर्बाद कर देता है, ऐसे सबको आपको लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद से और भी देख लीजिए,
और आप देखिए बृह बाघ ने पति को फंसाने के लिए किस तरह का भेद रचाया, तो जो बूढ़ा बाघ था वो पति को फंसाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो बूढ़ा बाघ के हाथ में एक सोने का कंगन था, वो यही कह रहा था तालाब के किनारे बैठ कर कि हे पति को इस सोने का कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने का कंगन का क्या करूँगा। तो किसी ने सोचा, किसी व्यक्ति ने सोचा कि ऐसा भाग्य सही संभव हो सकता है, धन पाने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है, डाला तो उसका परिणाम तो उसको मिल ही गया। और अगला क्वेश्चन इसी पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ये पूरा का तीनों इसी पार्ट का क्वेश्चन है कि पति वृक्ष बाघ की बातों में आ गया, बातों में क्यों आ गया था, क्यों आ गया था, तो वो लालच दे रहा था कंगन का। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद जब देखे शिवरात्रि पर्व के रात के दिन देखे उन्होंने कि भगवान शिव पर चढ़ाए गए प्रसाद चूहा खा रहा है, तब उनके मन में उत्पन्न हुआ कि एक्चुअली भगवान मूर्ति में नहीं होते हैं, भगवान तो सच्चे हृदय में होते हैं। यही तो सब आपको लिख देना है, ठीक है ना, यही आपको सब लिख देना है, ठीक है। अब देखिए उसमें एक दोस्तों पूछा गया है प्रिय शिक्षक यानी कि प्रिय कवि के बारे में, यहाँ पर आपको अनुच्छेद पूछा गया, ये अनुच्छेद आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग अनुच्छेद लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये आप लोग अनुच्छेद लिख देना बाबू, ये अनुच्छेद आप लोग लिख देना। ये मम देखो तीन अनुच्छेद पांच को पूछा गया, इसमें एक को लिखना है, मैं आपको तीन को बता देता हूँ जो इच्छा लगे लिख देना। जैसे कि मम प्रिय शिक्षक दिया गया, अस्माकं विद्यालय दूर दूरस्थ छात्रा पठितुम आगच्छन्ति, अत्र अध्यापकानां संख्या षष्ठी, सर्वे अध्यापका सर्वे सर्व विषयते परगंता, ठीक है ना। और शिक्षण का देखो यहाँ पर लिखा गया, शिक्षण कला मर्मतस्य संति तेसु श्री शर्मा महोदय अस्माकं प्रिय शिक्षक अस्ति, स मनोयोगेन पाठं पठयति, स सकर्मीषु मित्रवत व्यवहारिति, स विज्ञान शिक्षक अस्ति, स छात्र जनना प्रति अस्नियति मृदु वदति सत्यम वदति धर्मचरति अनुशासन पलायति नियत समय विद्यालयम अगच्छन्ति, सभा स्थले विद्यालय समेघाम स्थापयति च, ठीक है ना। बस इतना लिखना, ज़्यादा थोड़ी लिखना, थोड़ा बहुत लिखना है। अब एक और देख लीजिए, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। जैसे कि पूछा गया सत्संगति पर, पूछा गया सत्संगति पर आप लोग क्या लिखने चाहते हो, ठीक है ना। जैसे सता जननाम संगति सत्य संगति कथ्यते, अर्थात सता संगति इति सत्संगति, सर्वे रहिता भूत्वा परहितरता सजना भवन्ति, सजना भवन्ति ऋषिनाम सत्या ऋषिनाम संग सत्या एवं चौरे वाल्मीकि अपि आदि कवि प्रख्यात, ठीक है ना। और भी है आप लोग लिख दीजिएगा, एक बार देख लेना, ठीक है ना। और आपका एक और है छोटू, बस इतना ही है। एक और है अनुशासन पर, एक और अनुशासन में पूछा गया, वो नोट कर लीजिए, आप देख लीजिएगा इसका आंसर, देख लीजिए आप लोग। ऑलरेडी मैं भेजा हूँ, मैं टेलीग्राम में भेजा हूँ, अनुशासन पर आप लोग लिख लीजिएगा, अनुशासन पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, अनुशासन में देख लीजिएगा। अभी मैं आपको टेलीग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैं टेलीग्राम अभी ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए छोटू, अभी हम आपको टेलीग्राम ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने मैं खुद टेलीग्राम ओपन कर रहा हूँ और टेलीग्राम ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही मैं टेलीग्राम ओपन करूंगा ना तो आपको दिख जाएगा, और आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम और सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यही है ना टेलीग्राम। एक मिनट छोटू, कितना नोटिफिकेशन आएगा यार, कितना आएगा, इसको तो बंद तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से क्लियर इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक मिनट छोटू, इसको ऊपर ले जाने दीजिए। हाँ ये देखिए, ये अभी मैंने ये तो ऑलरेडी साइंस का मैंने क्लास लिया था उसका है, ठीक है ना। किधर गया छोटू, और ऊपर गया ना, एक मिनट छोटू, इसको काट के थोड़ा सा, हाँ ये देखिए आगे ना। हाँ अब यहाँ पर देखिए, ये नाइन्थ का हिंदी का सब्जेक्टिव है, ये नाइन्थ का संस्कृत का सब्जेक्टिव है, ये टेंथ का संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैं दिया हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद ये हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिया हूँ, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। और मतलब सब दिया हूँ, सब मिल जाएगा आपको, ये इसी टेलीग्राम में मिलेगा, स्टडी प्लस के नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है, आप लोग चले जाइए टेलीग्राम पर, ठीक है ना, सारे लोग टेलीग्राम पर चले जाइए, ठीक है ना।
और जिसको भी बाबू जिसको भी पीडीएफ की ज़रूरत है 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों ना जल्दी से कोशिश करिए पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि कब दाम बढ़ जाएगा ये मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है ना। चलिए तो कल हम लोग कल के बाद जो हम लोगों का पेपर है उसके लिए हम लोग कल क्लास करेंगे, ठीक है ना। काम चल रहा है सर जी, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। काम चल रहा है मतलब नहीं समझ पा रहे हैं हम आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। नहीं समझ पा रहे छोटू मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं है, कल परसों और दो तीन दिन आप लोग एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद से तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर काम चल रहा है सर जी, प्लीज़ बताइए काम चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हम नहीं समझ पा रहे हैं। काम चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चलो ठीक है बाय, रहने दो, अब जाओ पढ़ाई कर लो, कल एकदम सुबह में चले जाना स्कूल में, ठीक है ना। कल सुबह में एकदम नहा धोवा कर स्कूल में चले जाना, ठीक है ना। सर क्वेश्चन 18 नहीं समझ पा रहे आप कहना क्या चाहते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तो वो चला गया, देख लेना छोटू क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना। एक्चुअली मैं तो ऐसा कैसे बता सकता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख लीजिएगा।